तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी विशेष पेशकश में। तो हम बात कर रहे हैं अनोखी पहल की। छतरपुर के लोगों ने एक अनूठी पहल की, जी हां, पॉलीग्राफी टेस्ट की पहल की, वो भी उन प्रत्याशियों के लिए जो कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जो उस इलाके में सेवा करने की इच्छा रखते हैं। लोगों ने एक थर्मामीटर के माध्यम से उनके उस नब्ज को टटोलने की कोशिश की है और एक तरह से मैसेज दिया है पूरे झारखंड को, पूरे देश को, कि हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यह पहल करनी चाहिए, ताकि जिस तरह की समस्याएं इलाके में पसरी हुई है, जिस तरह की समस्याएं मुंह बाए खड़ी है, उसका जवाब वे अपने जनप्रतिनिधि से मांग सके कि आखिर तुमने हमारी वफाओं का यह कैसा सिला दिया है, क्योंकि हम आपसे वफा करते रहे, आपने हमेशा हमारे साथ बेवफाई की। चुनाव के दिन आता है तो आप हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन चुनाव में चुनाव जीतने के बाद ही आप राजा बन जाते हैं और जनता जो है रंक बन जाती है। लेकिन ये मौका है हमारे पास चुनाव से पहले, मतदान से पहले, कि हम अपने प्रतिनिधि का, सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें, ताकि हमारे इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सके। तो हमारे साथ अरुण कुमार सिंह है इसी मसले पर बात करने के लिए कि एक अनोखी पहल छतरपुर में हुई है, उनसे बात करेंगे, जो स्थानीय पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं और उस अभियान के रचयिता भी है जिस अभियान ने पूरे देश की नींदे खोल कर रख दी थी। जी हां, बात कर रहे हैं इच्छा मृत्यु की। 2006 में एक अनोखी पहल छतरपुर से हुई थी। छतरपुर के हजारों किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की बातें कही थी, उन्होंने अनुमति मांगी थी, क्योंकि तब इलाके में सुखाड़ था, अकाल था और अरुण कुमार सिंह ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नतीजा यह था कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि छतरपुर कहाँ है और वहां पर किस तरह की समस्या है। तो अरुण जी, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। जी धन्यवाद अरविंद जी। चलिए, जिस तरह से आप पहल करते रहे हैं छतरपुर में, यहाँ भी आपने बहुत नजदीक से देखा है जिस तरह से पहल हुई है, प्रत्याशियों के झूठ और सच को जानने की कोशिश की है वहां के लोगों ने पॉलीग्राफी टेस्ट के द्वारा। जो इलाका है अरुण जी, किन किन समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं वहां पर और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, सबसे बड़ी बात, मैं नक्षत्र न्यूज का धन्यवाद करूं कि झारखंड में सबसे पहले और पहला ये न्यूज चैनल है जिन्होंने, जिनके माध्यम से ये छतरपुर वासियों का दर्द आप बयां कर रहे हैं। जी, सबसे पहले छत्र को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सवालों पर आऊं। जी अरविंद जी, ये वही छतरपुर है जहां 13,400 किसानों ने इच्छा मृत्यु मांगी थी। इच्छा मृत्यु मांगना एक बड़ी बात होती है अरविंद जी, जब आदमी जिंदगी हार जाता है, जी, जब उसके पास कोई उम्मीदें नहीं रहती, जी, जब हर तरह से लाचार और बेबस हो जाता है, जी, एक बेबस इंसान कुछ न कर पाने की स्थिति में जब उस पर किसी की छत्र छाया नहीं होती, जी, तब वो इच्छा मृत्यु मांगता है। जी, ये जिंदगी को ऐसे ही कोई व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। तो यहाँ के लोगों ने तब मांगी जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जी, जितने जनप्रतिनिधि हुए आज तक यहाँ के, जी, और सारे लोगों ने यहाँ के जनता को, जिम्मेदार कौन है अरुण जी इसके लिए, इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार तत्व कौन है, स्थानीय नेता या फिर कोई और? नहीं, स्थानीय नेता और सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाला एक विधायक, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इस छतरपुर में 3 दशक तक राज करने वाला एक पार्टी स्तर विधायक, जी, और उसके बाद अन्य नेता भी, जी, जिन्होंने खुद चुनाव के समय घोषी फैलाई, लोगों से वोट की भीख मांगा, हम आपका तकदीर बदल देंगे, जी, ये कह के, और बाद में खुद राजा हुए। अभी आप जिक्र कर रहे थे जनता हो गई है, ये बात है अरविंद जी, आप नहीं कह सकते कि पीछे आजादी के बाद से पूरे छतरपुर में सिंचाई का अच्छा व्यवस्था। चलिए, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है अरुण जी की, छतरपुर को स्थानीय नेताओं ने, जिन्हें बहुत लंबा मौका मिला इलाके के विकास के लिए, इलाके के बेहतरी करने के लिए, लेकिन अपनी झोली भरते रहे, अपना घर संवारते रहे, लेकिन इलाका जो है, इलाके में गरीबी का स्या अंधेरा ही पसरा रह गया। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका अरुण जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इलाके के दर्द को बयां किया है और उस दर्द को भी कि आखिर 13,400 किसानों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु क्यों मांगी थी। अगर इलाके के जो प्रतिनिधि हैं वो सचेत होते, इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम किए होते, तो शायद ये नौबत नहीं आता। तो हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही।